नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार और आप देख रहे हैं 10G न्यूज। वाम दल के विधायक विधानसभा के बाहर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किसान जैसे मुद्दों को लेकर लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार और बिहार सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही है, गरीब को अनदेखा कर रही है ये सरकार, और कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं और कहा है कि शराब माफियाओं का मनवल बढ़ चुका है। जिस तरह से सीतामढ़ी में एक पुलिस की हत्या कर दी जाती है, एनकाउंटर कर दिया जाता है शराब माफिया के द्वारा, उसको लेकर आज विधानसभा के बाहर हंगामा करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि गरीब की आवाज़ को बुलंद करने को लेकर ये हंगामा कर रहे हैं और कई तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते हुए नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि शराब माफिया को लेकर जिस तरह से नीतीश कुमार कह रही है कि पूरे बिहार में शराबबंदी है, वहीं जगह जगह पे शराब मिल रहा है, जिसको लेकर आज वाम दल के विधायकों ने विधानसभा के बाहर हंगामा करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं सरकार के खिलाफ, और जो वाम दल के विधायक है मनोज मंजिल, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस मामले पर, जरा गौर से सुनिएगा क्या कुछ कह रहे हैं। में गरीबों की आवाज दबाई जा रही है, गरीबों के मुद्दों के साथ उनके जीवन और वृद्ध जनों के पेंशन के साथ मजाक उड़ाया जा रहा है, और सामाजिक कल्याण मंत्री मदन सहनी ने विधायकों को अपमानित करने का काम किया है, इसलिए उन्हें बर्खास्त किया जाए। सीतामढ़ी में शराब माफियाओं ने एक दरोगा की हत्या कर दी, चकदार घायल हैं। जब शराबबंदी है तो गोपालगंज और मुजफ्फरपुर में शराब से एक दर्जन लोगों की मौतें हो रही है, जहरीली शराब से लोगों की जान जा रही है, लोगों की आंखें जा रही है, और ये सरकार शराबबंदी की नौटंकी कर रही है। कल परिसर में इंस्पेक्टर द्वारा विधायक दल के नेता महबूब आलम के साथ धक्का मुक्की की गई है, उन्हें बर्खास्त किया जाए। तो इस सरकार में मंत्री भी और संतरी भी विधायकों को अपमानित करने का काम, गरीबों की आवाज को, अभिव्यक्ति की आवाज को दबाने का काम, अभिव्यक्ति की आजादी को छीनने का काम कर रहे हैं। इसको हम लोग भाकपा माले कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अभिव्यक्ति की आजादी के लिए गरीबों की मुद्दों पर हमारी आवाज गूंजती रहेगी, हम लड़ते रहेंगे।